Hi everyone, namaste and welcome to my channel. So, आज का दिन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग. बहुत सुबह हमारे पास एक मैसेज आया है. एक मिनट, इस टाइम हम यहाँ पर आए, कब आए पर लोग आए थे? अगस्त में भी 7th को हम यहाँ आ गए थे. ठीक है, 7th 8th, हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली 8th अगस्त का ही है चला. तो मतलब अपन 8th को आए. ठीक है, तो 8th को हम लोग यहाँ पर आ गए थे भोपाल. तो अभी जस्ट विकी चेक कर रहा था तो हमारे पास ई चालान आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र पुलिस का, कि कौन से इसमें आया है रोड का, मालेगांव का है. हम लोगों की जो गाड़ी की स्पीड थी ना वो बहुत तेज थी, तो विक्की ने जैसे ही मुझे बताया तो डांस कर रही थी क्योंकि ये आदमी बहुत तेज लिटरली गाड़ी चलाता है. मेरी तो सुनता नहीं है, मैं बोलती हूँ धीरे करो धीरे करो. ऑब्जेक्टिव जज साहब आप मिस कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अगस्त में आए थे और हमें छह महीने बाद हमको चालान. अब वो मेरे ख्याल से इतने सारे ई चालान होते होंगे कि प्रोसेस करने में या तो आई डोंट नो क्या होता होगा. ऐसा कौन सा सिस्टम बना रहेगा भाई. महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करना चाहेंगे कि ये ऐसे चालान वगैरह ना जब आपने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है तो प्लीज इसको जल्दी भेजिए. यहाँ तो सच में याद भी नहीं था. एक्चुअली मैं इतना लेट आया ना तो हम लोग सोच रहे हैं कि इतनी तेज गाड़ी चलाई थी क्या, ये हुआ था क्या. मैं जूम कर करके फोटो देख रही हूँ अपनी, क्योंकि वो कार की पिक्चर आई है ना हमारी प्रॉपर. तो हम लोग है ना कार की पिक्चर भी आई है. आप क्राइम करके निकल जाओगे बेटा, कोई बचने नहीं वाला. आई एम सो हैप्पी, मैं तो मतलब मुझे तो मजा आ गया. हमारा अब रुचि भी गाड़ी चलाने लग गई है. 7 महीने में रुचि ने प्रोग्रेस कर ली. 7 महीने पहले आया होता तो मैं भर देता, अब रुचि भी गाड़ी चलाने लग गई तो 500 आपका 500 मेरा. मैंने तब चलाई भी नहीं थी, मैं नहीं देने वाली कुछ पैसा. अभी सीखी है. हाँ तो भैया चालान अभी आया है, हमें कोई मतलब नहीं है कि 8 महीने पहले चालान बन चुका था. हमारे पास तो आज आया है. आज कौन सी डेट है? 17 फरवरी. मेरे साथ रह रहे कि मेरे जैसे लॉजिक देने लग गया है. ये गाड़ी के अंदर दो लोग मौजूद हैं तो दोनों के ऊपर बराबरी से चालान बनना चाहिए. नहीं, मैं आपको टोकती हूँ कि गाड़ी धीरे चला तो आप मुझे चुप रहो चुप रहो. नहीं, हम कभी नहीं बोलते. ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते, ऐसे ही बोलते हो. आप मुझे डांट देते हो, ये डांट देता है मेरे को. मैं अगर बोलती हूँ कि गाड़ी धीरे चलाओ तो मतलब मैं चला रहा हूँ, आप चला रही हो. अरे शाने, अरे अरे मेरी शक्ल देख के किसी को लगता है कि मैं तेज चलाता हूं. यही गलती है. ये पर्दा है. यही गलती है, मतलब मेरी शक्ल ही गलती है. सोचो मतलब आप हो कुछ और दिखते अलग. वैसा मैं आदमी हूँ, आदमी जैसा दिखता हूँ. और मतलब और कैसा है? दिखता सीधा है पर इतना सीधा है नहीं. है सीधा पर इतना सीधा नहीं है. जितना दिखते हो उतने भी नहीं हो. मैं महाराष्ट्र पुलिस को बता दूंगी, अरे 120 गलत लिखा, 140-150 भी टच करता है ये. ये औरत भी करती है. अभी टच कर रही थी. 120 ज्यादा, 100 ज्यादा. नरसिंहगढ़ से वापस आ रहे थे तब अभी टच कर रही थी. पापा जी को बताएंगे तो और मजे आएंगे. Hey guys, sorry to interrupt you in the middle. अभी मैं स्टार्ट करती हूँ व्लॉग, बट उससे पहले मैं कुछ इंट्रोड्यूस आप लोगों के साथ में करवाना चाहती हूँ. सो यूजुअली ऐसा होता है ना कि आप कभी भी मतलब मेकअप मत लगाओ, लेकिन अगर आप एक अच्छा सा लिप कलर अपने लिप्स पे लगा लो तो आपका जो लुक होता है वो कंप्लीट हो जाता है. मतलब आपको जरूरत नहीं होती है. मेरे साथ तो होता है, आई डोंट नो आपके साथ होता है कि नहीं होता है. एंड मेकअप बिना लिपस्टिक के कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा इनकम्प्लीट रहता है. तो लिपस्टिक इज अ वेरी वेरी और अ लिप कलर इज अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर योर मेकअप और आपके यू नो एक लुक को कम्प्लीट करने के लिए. बट ऐसा बहुत सारी बार होता होगा कि आपको आपका परफेक्ट शेड नहीं मिलता होगा लिपस्टिक में. मिल भी जाता होगा तो समटाइम्स ऐसा होता होगा, अगर वो मॉइस्चराइजिंग होता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है. तो आई एम श्योर आपने भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करे होंगे. जो मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक्स होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है. लॉन्ग लास्टिंग होती है वो समटाइम्स आपके लिप्स को थोड़ा ड्राई कर देती है. वुडंट इट बी अ ग्रेट टू हैव अ लिप कलर दैट हैज बोथ मतलब लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मुलेशन भी हो एंड साथ ही साथ वो आपके लिप्स को एक बहुत अच्छा हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करे. वेल मामाअर्थ मॉइस्चर मैट लिपस्टिक हैव गॉट यू कवर्ड पैक्ड विद हाई इंटेंसिटी मैट कलर्स. दीज लिपस्टिक स्टे ऑन योर लिप्स फॉर अप टू 12 आवर्स विदाउट स्मजिंग पैक्ड विद हाई इंटेंसिटी मैट कलर्स गिविंग योर लिप्स बोथ अ बर्स्ट ऑफ कलर एंड अ डोलोप ऑफ केयर. क्राफ्टेड विद ब्राइट and moisturizing natural ingredients like avocado oil and vitamin E, these lipsticks will give your lips up to 8 hours of moisturization. You don't need to worry about using these lipsticks on daily basis because ye made safe certified hai, jiska matlab hota hai, jo ki ek proof hota hai ki ye non-toxin hai, iske andar chemicals nahi hai, parabens nahi hai. So get beautiful moisturized and nourished lips in one single swipe.
तो इसके अंदर 9 शेड्स आते हैं जिसका एक एक करके मैं आपको स्वॉच बताती जाती हूँ। सो बेसिकली लिपस्टिक क्या करते हैं, ये 12 आवर्स तक लॉन्ग स्टे करता है आपके लिप्स पे, 8 आवर्स का मॉइस्चर लॉक देता है, 9 डिफरेंट शेड्स में आता है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, स्मच प्रूफ है, लाइट वेट है, नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है, इंटेंस नॉन ड्राइंग मैट कलर्स हैं, कंफर्टेबल टू वियर है एंड साथ ही साथ ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये देखिए, ये स्वॉच टेस्ट मैं आपको करके बताती हूँ। मैं इनको रब कर रही हूँ बट स्टिल एक बार जो लिपस्टिक है उसका कलर फेड नहीं हो रहा है ना ही ये, और देखिए बिल्कुल दिस इज टोटली स्मच प्रूफ। अब मैं इनको आपको अपने लिप्स पे लगा करके बताती हूँ। लुक एट दैट, आप सिंगल स्वाइप में इसका Get the color. Very, very, very pigmented and एक स्ट्रोक में ये इतना ब्यूटिफुल कलर आया है। आई रियली लव दिस कलर। ओके, जो नेक्स्ट शेड है वो है Look at this. Such a pretty color. बहुत सुंदर कलर है ये भी। Well, this is my no makeup face. सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट पे। आप जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करेंगे मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट तो ले ही रहे हैं मामाअर्थ का, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मामाअर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया हुआ है ऑफिशियल iOS एंड एंड्रॉइड का, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू sales and hence get extra discount. इसको मैं लगा के रखूंगी एंड एंड में वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि कितने घंटे तक ये मेरे बालों में, बोल रही हूँ, कितने घंटे तक मेरे लिप्स में रहता है। अब हम ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैं जा रही हूँ, अभी मैं शार लेने के लिए जा रही हूँ। आज मुझे जाना है अपनी एक और फ्रेंड से मिलने के लिए और उसके बाद कल मुझे जाना है एक शादी में। सो देखते हैं कब तक ये ब्लॉग चलाती हूँ मैं। सो ड्रेसेस में मैंने ये 2 ड्रेसेस निकाली हैं, या तो मैं ये नील एंड स्कर्ट और ये वाला टॉप पहनूंगी या फिर मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। ये भी काफ़ी लॉन्ग है, अच्छी डिसेंट सी है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली ये वाली पहन सकती हूँ। तो आज मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, उसका नाम है मीनू। तो उसकी और हमारी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेंडशिप है। मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं, मीनू की मम्मी पापा और मेरे पापा सेम ऑफिस में ही हैं। जो पापा हैं और मेरे जो मामा लोग हैं वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोगों ने साथ में मेजर ट्रेनिंग हम लोगों ने साथ में करी है, तो है हम लोग का अच्छा खासा बॉन्ड है। हम लोग इस टाइप के फ्रेंड्स हैं कि हम लोग ऐसे नहीं डेली बेसिस पे बात करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तो मतलब हम सब शेयर करते हैं, वैसा वाला हमारा पर्सनल वो है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शादी के पहले तो हमारा पेरेंट्स फ्रेंड थे, हम लोग फ्रेंड्स थे, उसके बाद उसके जो फादर इन लॉ है और मेरे जो फादर इन लॉ है वो लोग भी फ्रेंड्स हैं। वो लोग एक ही ऑफिस में, मतलब एक ही ऑफिस में काम कर चुके हैं। I know that you are having a hard time right now. Okay, so I am ready. Let me show you my dress. मैंने टॉप चेंज कर लिया और जीन्स भी चेंज कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो जाएगा। So, wait, let me show you. This is what I'm wearing. This is the jeans. Oh, reached here and waiting for my friend. She's just coming in 5 to 10 minutes. Huh? Hi, Meenu. Hello. हे गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे नहीं, मैं आप लोगों से 2 दिन बाद मिल रही हूँ। तो आज मेरे घर में कथा है एंड साथ में सबका लंच है। तो मेरी मदर इन लॉ भी आने वाली हैं जब टाइम हो जाएगा तब। उसके बाद चाचा चाची लोग आने वाले हैं, एक भैया भाभी आने वाले हैं, मेरी बुआ आने वाली हैं, कज़िन आने वाले हैं, उनका छोटा बच्चा आने वाला है। तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो उसी की प्रेपरेशंस चल रही है। और मैंने आज ये पहना है, ये मुझे भेजा था, लग रहा है। मतलब मैं जैसे ही आई ना, मेरी मम्मी ने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट किया कि बहुत सुंदर सूट लग रहा है। मैं सूट दिखाती हूँ पूरा। दिस इज द सूट एंड दिस इज द सूट। हाय एवरीवन, सो मैं आप लोगों से आई थिंक
तीन चार दिन बाद मिल रही हूँ. सो बहुत सारी चीज़ें हुई इस बीच में बट मैंने वो व्लॉग नहीं किया. फिर मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के घर पर रहने के लिए आ गई हूँ. मुझे ऑलरेडी 2-3 दिन हो गए हैं बट ये होता है ना, यहाँ पर आती हूँ तो मेरे को कैमरा उठाने का मन नहीं करता है. तो आज मैं जा रही हूँ अपनी चाची के घर पर. मैं उनके घर का ना थोड़ा सा टूर दूंगी आपको, बिकॉज हर बार मैं सोचती हूँ करूँगी बट हर बार रह जाता है मेरा. तो मैं उनका घर भी, उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखा है ना, तो मैं छोटा सा एक ग्लिम्स दूंगी उनके घर की भी. सो यार लेट्स गो. एंड आज मैं लेके जा रही हूँ अपने पापा की गाड़ी, बिकॉज अब टचवुड थोड़े ठीक तरीके से मैं गाड़ी चलाने लगी हूँ. तो क्योंकि अब विक्की की गाड़ी भी जब चला ली ना मैंने, तो मैं जो छोटी गाड़ियाँ हैं मतलब जो कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ होती है ना, उनको तो मैं और ही अच्छे से चला पाती हूँ. तो आज मैं वही लेकर के जा रही हूँ. सो या लेट्स गो. मम्मी और हम दोनों रेडी है. ये ओके गाइज, तो हम लोग आ चुके हैं चाची के घर पे एंड उन्होंने अपना एक स्पेशल चीज. हाँ आपको भी बहुत पसंद करते हैं, सब लोग कमेंट्स में आता है अपनी चाची बड़ी प्यारी है, बहुत सुंदर है, ऐसे कमेंट्स में आता है. रुचि रुचि ज्यादा प्यारी बच्ची है. तो चाची ने बनाया है, इसका क्या नाम है, क्या बोले इसको, बहुत ही टेस्टी सी ना, एक पता नहीं ये नाम हम लोगों को भी नहीं पता है बट कर दो तुम. हाँ इतनी क्विक बनाई है, फटाफट बना दिया, मतलब दही में कुछ स्टफिंग वगैरह करके, और ये बहुत अच्छी लगी मुझे. तो मैं रेसिपी सीख के भी गई हूँ. हाँ घर का पिज्जा, एक्चुअली मैं घर का पिज्जा और ये कस्टर्ड. यहाँ आए और कुछ खा के ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है. विद इन आई थिंक आने के आधा घंटा पहले सिर्फ कॉल किया था और उसमें भी इतना सब कुछ हो रहा है. यश और तनिष्क आ गया. हाय, चलता है कैमरे में नहीं पता चलेगा, दिख नहीं रहा. इतना ज्यादा यम्मी बनाया ये, मतलब इतना क्विक बन गया है लेकिन बहुत टेस्टी. इनके हाथों में बहुत स्वाद है. चाची जो भी बनाती हैं बहुत बहुत टेस्टी बनाता है, हम लोग फैन हैं इनके खाने का. तो ये चाची का एंट्रेंस है एंड यहाँ से स्टार्ट होता है, लॉन है पूरा बड़ा सा. यहाँ पर एक सिटिंग है जिसको थोड़ा ऐसे डेकोरेट करके रखा हुआ है एंड लुक एट दीज फ्लावर्स. चलते हैं अब. शादी हो रही है तो बढ़िया. सो उसके बाद हम लोग चुंबक गए थे. दिस इज अ स्टोर एंड डीवी मॉल. जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ, चुंबक के पास बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होम डेकोरेशन के स्टफ होते हैं, तो एक बार विजिट जरूर करिएगा. तो बहुत अच्छा कलेक्शन आया था इन लोगों के पास, तो वही हम लोग चेकआउट करने के लिए आए थे एंड मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग भी करी है. सो बेसिकली इनके पास आप देखेंगे तो बहुत सारा ऐसे हैंडमेड एंड हैंड पेंटेड वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं. ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये डिनर सेट है, आप एक थीम बना सकते हैं एंड बहुत कलरफुल एंड इंडियन थीम में इनके चीज़ें होते हैं. तो वॉल आर्ट मिलेगा आपको, वॉल डेकोर की चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद किचन डेकोर की चीज़ें मिलेंगी, किचन वॉल आर्ट है, बहुत ही प्यारा प्यारा एंड क्वर्की चीज़ें रहती हैं. सो आई बॉट फ्यू स्टफ फॉर माई न्यू होम एंड ये देखिए, मतलब मैंने कुछ ऐसे थीम दिमाग में रख के नहीं लिया, बस जो जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी वो सारी चीज़ें मैंने ली है. तो आई थिंक ये सारी चीज़ें तो काफ़ी पुरानी है उनकी. ये नया कलेक्शन आया है जो कप्स आए थे, बहुत प्यारे प्यारे कप एंड अलग अलग यू नो शेप्स एंड उसमें आए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे. तो पेस्टल्स भी उनके पास काफ़ी सारा था एंड बोल्ड कलर भी काफ़ी सारा था. सो वॉट एवर आपको जो ऐसा पसंद आता हो वैसा आप ले सकते हैं. ये ग्लास जार्स हैं, फिर ये वुडन वाले बाउल्स हैं अलग अलग शेप के एंड साइज़ के. तो बहुत ही क्यूट क्यूट फ्लावर वास एंड फ्लावर पॉट्स थे यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने देखे. ये कुछ फेक फ्लावर वाले जो होते हैं ना पॉट होते हैं वो भी थे, बहुत क्यूट, बड़े क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से. आप अपने टेबल टॉप पे रख सकते हैं, डेकोर के लिए रख सकते हैं. उसके बाद इनके पास स्टील का सामान भी है, तो ये हैंड पेंटेड स्टील की चीज़ें हैं, बट आप डेली यूज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसको सिर्फ वाइप करके या पानी से ही वॉश कर सकते हैं, आपको बहुत ऐसे रब नहीं करना है, अदरवाइज़ ये सब निकल जाता है. तो बॉटल, जग, टिफिन्स, उसके बाद स्टोरेज बॉक्स जो होते हैं वो सब कुछ था यहाँ पे स्टील का. आई रियली रियली लव्ड इट. मेरे पास काफ़ी सारा यह सामान है स्टील वाले जो बॉक्सेस हैं ना इनके, वो हैं. देन यहाँ पर आते हैं कुछ कुशन कवर्स हैं पेस्टल कलर में, बोल्ड कलर में. उसके बाद यहाँ बेडशीट्स हैं जिन पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था, कॉटन की बेडशीट है, हैंड पेंटेड बेडशीट्स भी थी कुछ. अगेन ये कुशन कवर हैं, कुशन कवर्स मुझे बहुत क्वर्की एंड सही लग रहे थे एंड
काफ़ी वास्ट कलेक्शन था कुशन कवर्स का। फिर अगेन आते हैं, ये छोटे छोटे से शो पीसेज हैं, बहुत आउल वेराइटी इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा थी। मतलब मैं देख रही थी हर चीज़ में कहीं ना कहीं आउल का कुछ था ही। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग शुभ मानते हैं आउल को, लक्ष्मी जी का वाहन होता है इसलिए। एंड लुक एट दिस, बहुत प्यारा लग रहा था, ये पेस्टल पाउडर ब्लू जिसको बोलते हैं ना, वैसा टाइप का कलर था। आई रियली लव्ड इट, बहुत सही लग रहा था ये सेट। बहुत प्यारे प्यारे सेट, बाउल्स एंड प्लेट्स एंड इनका सेट था यहाँ पे। इवन जग मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे सारे। सो ये सब सेट है। इनके पास फैशन वाली चीज़ें भी हैं, लाइक आप बैग्स मिलेंगे आपको, जूतियाँ, फुटवेयर, ड्रेसेस, सब कुछ मिलता है जुम्बक के पास। उसके बाद ये देखिए, ये कितना सही लग रहा था, मुझे ऐसा मन कर रहा था कि मैं अपनी कार के लिए इसको ले सकती हूँ, बट थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगा तो इसलिए मैंने नहीं लिया ये। आप इसको अपने गाड़ी वाड़ी पे रखने के लिए ले सकते हैं, बहुत क्यूट लग रहा था ये। सो ये है। उसके बाद आपको यहाँ पे रग्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो एक छोटा सा मैंने आपको टूर दिया है। ओके गाइज, सो फिनिशिंग दिस व्लॉग हेयर एंड स्टिल द सेम। मैंने अभी जो इवनिंग स्नैक होता है वो किया, एंड काफ़ी देर से, मतलब मैं सुबह से लगाई हुई हो रहा है, एंड गोल्डन आवर जो होता है ना सनसेट वाला, ये वैसी वाली लाइट है। एंड लुक एट दिस, लुक एट द कलर, इट्स सो प्रिटी, आई रियली लाइक इट। बिल्कुल भी स्मच नहीं हुआ है ये। एंड येस, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सो जो चुंबक हॉल है वो भी मैं जल्दी लेकर के आऊँगी। एक्चुअली मेरा जो सामान है वो मैं उस घर में रख के आ गई थी, एंड ये जो चुंबक का सारा सामान था ना, ये एक्चुअली स्पॉन्सरशिप तो नहीं बोलूँगी बट कोलैबोरेशन में ही था। मुझे जो भी मैंने सामान परचेस किया है उसका ऑलरेडी एक अमाउंट मिल गया था चुंबक के स्टोर से। सो बेसिकली ये चुंबक के साथ आप बोल सकते हो ना, वो था सारा होम डेकोर का। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने ली हैं एंड वो सोच करके ली है आगे के लिए। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट एक दिन पहले, एक आध दो दिन पहले आपने मेरा वीडियो अनाउंसमेंट देख ही लिया होगा, बट हाँ अभी तक मैंने जगह डिस्क्लोज़ नहीं करी है कि मैंने कहाँ पर लिया है, तो वो भी मैं जल्दी कर दूंगी। एंड आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।